नमस्कार जय आरसीएम। सबसे पहले तो मैं आज जितने भी डायरेक्ट सेलर हमारे आरसीएम परिवार के हैं, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं आज के इस इवेंट्स में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन सबका मैं स्वागत करना चाहता हूं, क्योंकि आज का जो इवेंट है साथियों वाकई में हमारे लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस जितने लोग आज हमारे साथ में है वो लेकर जाने वाले हैं। क्योंकि आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने वाले हैं जिन्हें आरसीएम के अंदर फायर ऑफ आरसीएम कहा जाता है, जिन्हें एक जोश मशीन के नाम से जाना जाता है, और उनके लिए कहा जाता है कि जब भी वो किसी मीटिंग और सेमिनार्स के अंदर होते हैं, जब भी उनका उद्बोधन होता है, जब भी वो अपने सेमिनार्स लेते हैं, तो वहां पे ऐसे नेगेटिविटी वाले लोग भी अगर मौजूद हो तो वो उनके अंदर भी पूरी तरह से एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो जाता है। वो अपने आप को पूरी तरह से कमिटमेंट के साथ में इस बिजनेस में कैसे आगे बढ़ा जाए उसके लिए वो तैयार कर पाते हैं। तो ऐसी सोच लोगों के अंदर जागृत करने वाले और साथ ही साथ खुद अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखते हैं, हमेशा अपने आप को चार्जअप रखते हैं, और उनका यही चार्जअप आज पूरे आरसीएम परिवार के जितने भी हमारे साथी हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन का काम करने वाला है। और साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, आज हम एक ऐसी सक्सेस से मिलेंगे, क्योंकि हमारे इस इवेंट्स का नाम, जैसा कि आप सारे लोगों को पता है, सक्सेस स्टोरी ऑफ आरसीएम लेजेंड्स। और लेजेंडरी पर्सन वही होते हैं जिनको हजारों लाखों लोग फॉलो कर रहे होंगे, जिनके पद चिन्हों पर चलते हुए लोग अपने आप को सफल बना पाते हैं, और जिनको फॉलो करते हुए लोग अपनी सफलता की कहानियां खुद लिख पाते हैं। तो ऐसी ही शख्सियत आज हमारे बीच में है, जिनके बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, गंगानगर के एक छोटे से गांव से जो बिलोंग करते हैं, जिनकी अगर मैं बात करूं तो जिनकी फैमिली एक किसान परिवार से जो बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं आर्थिक रूप से बहुत ही समृद्ध एक किसान परिवार का बेटा अगर आरसीएम बिजनेस में आके अपने आप को स्टार रूबी के लेवल पर लेके आता तो उसके पीछे की कहानी आज हम जानेंगे। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी एजुकेशन लाइफ के अंदर बीएससी करने के साथ साथ एडवोकेट के लिए लॉ की डिग्री ली, और उसके बाद सेम उनकी वाइफ भी आज एक एडवोकेट हैं, तो एक अच्छे प्रोफेशन से बिलोंग करने के बाद क्यों उन्होंने आरसीएम अपनाया और क्या आरसीएम में उनको ऐसा लगा जिसके कारण आज वो आरसीएम के इतने बड़े पिन पर पहुंच पाए हैं। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हमेशा अपने जॉइंट फैमिली के साथ वो संबंध बना के कायम रखे जिसके बारे में आज हम सोच भी नहीं पाते। अगर हम बात करें भारतीय संस्कृति जहाँ पे संयुक्त परिवार सबसे पहले होता है, उन सब लोगों का ध्यान रखना और सब लोगों को साथ में लेके आगे बढ़ना, वो उनको एक विरासत में मिली है, और यही चीज को आज उन्होंने आरसीएम बिजनेस के अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से सारे लोगों के साथ ट्रांसफॉर्म किया, और बहुत सारी जिंदगियों को आज उन्होंने अपने जोश और जुनून और अपनी गाइडेंस के अंदर बदला है, उनको सफलता के उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां से आज वो अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम मानते हैं, टाइम फ्रीडम के साथ में इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके जा पा रहे हैं। तो आज वो सब कुछ जानने का मौका हमारे बीच में है, तो हम वाकई में उनके बारे में और जाने उनके थ्रू। उससे पहले मैं चाहूंगा हम उनकी एक छोटी सी प्रोफाइल देखते हैं जिसके माध्यम से हमें पता चलेगा कि किस तरह से उन्होंने अपनी इस जर्नी को पूरा किया है।
साकिब, जैसा कि आपने देखा प्रोफाइल से आप सारे लोग जान ही गए होंगे, आज एक ऐसी लेजेंडरी पर्सनालिटी हमारे बीच में है मिस्टर जय नारायण जी, जिन्होंने वाकई में अपने जोश और जुनून से आरसीएम परिवार के अंदर एक ऐसा मुकाम हासिल किया, स्टार रूबी पिन लेवल उन्होंने अचीव की और आज वो अपनी पूरी टीम के चाहते तो है, साथ ही साथ जिस भी शहर के अंदर उनके इवेंट्स होते हैं वहां पे शिफ्ट के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं, उनको सुनने के लिए हमेशा लोग बेताब होते हैं, जब भी उनके मीटिंग्स और सेमिनार को लोग सुन लेते हैं उसके बाद में उनके अंदर एक नई एनर्जी का संचार हो जाता है, वो इस बिजनेस के रियल मायने में किस तरह से इसमें आगे बढ़ा जाए, किस तरह से अपने आप को सक्सेस किया जाए और किस तरह से इस सफलता को बरकरार रखा जाए, उन सारी चीजों को जानने और करने के लिए तैयार हो पाते, तो वो आज सारी चीजें हम लोगों के साथ होने वाली है। तो मैं आप लोगों की जोरदार एक्साइटमेंट और तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा आज के हमारे लेजेंडरी पर्सन मिस्टर जय नारायण सर, प्लीज वेलकम है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भगवत सर और आरसीएम की पूरी मैनेजमेंट टीम का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आप सभी लोगों ने मुझे मौका दिया यहां पे बोलने का, और आरसीएम के इस यूट्यूब चैनल पे जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आज के प्रोग्राम में, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 50 मिनट का प्रोग्राम आप ठीक से सुनेंगे और इस प्रकार के 50 मिनट के प्रोग्राम से मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, मेरी जिंदगी में 180 डिग्री के एंगल से बदलाव आया और मैं पूरा भरोसा करता हूं, विश्वास करता हूं कि आज के प्रोग्राम से आपके जिंदगी में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा अगर आज का प्रोग्राम आपने ठीक से एकांत में बैठ के सुना तो। हो सके तो आज का पूरा प्रोग्राम आप पूरे परिवार के साथ सुनिए और अगर आप कहीं परिवार से दूर है तो एकांत में बैठ के आज के पूरे प्रोग्राम को सुनिए साहब। सबसे पहले हम परिचय देना चाहेंगे, मेरा नाम जय नारायण हुआ, राजस्थान में श्री गंगानगर राजस्थान से बिलोंग करते हैं, पुराना काम खेती बाड़ी, मम्मी पापा भाई बहन सब लोग खेती करते हैं, आप लोगों की दुआ आशीर्वाद और पूर्वजों की मेहनत से खेती बाड़ी हमारे खेत में अच्छी होती है, लगभग सालाना की 1 करोड़ से ऊपर होती है, 50 लाख से ज्यादा की सालाना की बचत होती है, पैसे के मामले में ठीक ठाक परिवार से बिलोंग करता हूँ, परिवार में 4 भाई बहन है, मैं सबसे छोटा हूँ, घर वालों ने पढ़ाया लिखाया, मैं पढ़ाई में बीएससी एलएलबी हूँ, पढ़ाई के टाइम में जूडो कराटे का नेशनल प्लेयर रहा हूँ, मेरे बहुत से स्टूडेंट नेशनल प्लेयर रहे हैं, जिससे मेरी शादी हुई, मेरी वाइफ का नाम मंजू है, वो पढ़ाई में बीए एलएलबी डब्ल्यूएम में बीएड है। आज से 19 साल पहले हम दोनों लोग श्री गंगान में किराए के मकान पे रहते थे, हम गांव में रहने वाले हैं और वकालत करने के लिए श्री गंगान शहर में रहते थे, दोनों लोग वकालत करते थे और वहीं से हमें आरसीएम सिस्टम मिला, आरसीएम सिस्टम में मेरी ज्वाइनिंग 24 अगस्त 2002 में ज्वाइन किया, 3 महीने तक इसका सामान यूज किया, इस टाइम उसमें ज्यादा सामान आरसीएम में नहीं आता था, कपड़ा आता था, एक नहाने की साबुन आती थी, एक कपड़ा धोने की साबुन आती थी, एक पेस्ट आती थी, प्रोडक्टों को यूज किया, इनकम आई 885 रुपए, जब इनकम आई 885 रुपए तो मुझे लगा कि सामान यूज करने से जब मेरे घर में इनकम आ सकती है, अगर मैं ये सिस्टम लोगों को बताऊं तो लोगों के घरों में भी इनकम आएगी और मेरे घर में बढ़ते क्रम में इनकम आएगी, तो मुझे इस सिस्टम में और जानने की उत्सुकता हुई और मैंने इस सिस्टम की पहली मीटिंग अटेंड करी, जिस प्रकार आज आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो, आज आप डिजिटली मीटिंग अटेंड कर रहे हो, मैंने उस टाइम फिजिकली मीटिंग अटेंड करी थी और वो मीटिंग आरसीएम के सबसे पहले परिवार श्रीमान बीसी छाबड़ा सर की वो मीटिंग थी, उस मीटिंग में लगभग 500-700 लोग थे, उस मीटिंग में मैंने सबसे पीछे बैठ के वो मीटिंग देखी, मीटिंग में ज्यादा समझ में नहीं आया, बहुत से लोग तालियां बजा रहे थे, सीटियां बजा रहे थे, लेकिन एक दो चीजें समझ में आई कि बहुत से लोग आरसीएम सिस्टम में लाखों रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं तो मैं भी ले सकता हूं, तो नवंबर 2002 में इस सिस्टम में काम करना शुरू किया, जब मैंने शुरुआत में काम किया तो मेरे परिवार के लोग मेरे को रोकते थे, क्योंकि परिवार के लोग मेरे से प्यार करते थे और उन्होंने इस प्रकार के कभी सिस्टम को देखा नहीं था, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया कि लड़का बड़ा वकील बनेगा, और मैं ये इस सिस्टम में काम करता था तो परिवार के लोग कई बार मेरे को समझाने के लिए आए कि इस प्रकार का काम नहीं करो, मेंबर बनना ये ठीक नहीं है, अगर आपको बिजनेस करना है तो आप दुकान कर लीजिए, शोरूम कर लीजिए, पैसा अपने पास है, या खेती कर लीजिए, लेकिन ये बिजनेस मेरे को समझ में आ गया था, मेरी खोपड़ी में घुस गया था, इसलिए मैं इस सिस्टम में लगा रहा। जब मैं बीच बीच में गांव जाता था, गांव में सारे लोग मेरी मजाक करते थे, आते जाते लोगों ने मेरा नाम जय नारायण देना बंद कर दिया था, आरसीएम रख दिया था, लोग मेरी मजाक करते थे, जब भी लोग मेरी मजाक करते थे मैं पलट के जरूर देखता था कि मजाक करने वाला है कौन, ज्यादातर लोग जो मजाक करने वाले थे वो ज्यादातर लोग पूरे दिन में खाली
इधर उधर दारू बीड़ी पुड़िया सिगरेट, माँ बाप की बुराई करना, देश की बुराई करना, समाज की बुराई करना, खाली टाइम में गप्पे हाँकना, ताश खेलना, मोबाइल से खेलना, इस प्रकार के लोग थे। किसी भी कामयाब इंसान ने मेरी मजाक नहीं करी और मैंने उनके मजाक का कभी बुरा नहीं माना। जैसे जैसे उन्होंने मजाक करी मैं पूरी ताकत के साथ इस सिस्टम में लग गया। 2 साल बाद इस सिस्टम में मेरी रॉयल्टी आई और रॉयल्टी की इनकम मेरी लगभग 22,478 रुपए आई। लेकिन जब मैंने इस सिस्टम में काम करना शुरू किया था तो एक काम बढ़िया किया, जैसे ही मैंने काम करना शुरू किया मैंने मेरी पहली ज्वाइनिंग मेरी वाइफ के नाम से लगा दी थी और जब मेरी रॉयल्टी आई तो वाइफ के कोड के नीचे 3.5 लाख का काम हो चुका था। तो जैसे मेरी रॉयल्टी आई वाइफ ने भी काम करना शुरू कर दिया, वाइफ की पहले महीने रॉयल्टी आ गई। अब हम दोनों लोग वकालत करते थे और दोनों लोग आरसीएम करने लगे। 29वें महीने मेरा टेक्निकल आया और दोनों कोड की इनकम, पति पत्नी दोनों की इनकम हमारी 1 लाख रुपए महीना क्रॉस कर गई। जब 1 लाख रुपए महीना क्रॉस करी तो हमने एक छोटी सी कार खरीद ली आल्टो 2,79,522 रुपए की। अब हम कार वाले हो गए, इधर उधर ये बिजनेस को और ज्यादा स्पीड से बताने लगे। धीरे धीरे ये बिजनेस श्री गंगानगर से बाहर जाने लगा, धीरे धीरे राजस्थान की बाउंड्री को पार किया, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस फैल गया। आज मुझे इस सिस्टम में काम करते हुए लगभग 19 साल हो गए। 19 साल बाद आज इस सिस्टम में मैं स्टार रूबी लेवल पे हूँ, मेरी वाइफ स्टार एमराल्ड लेवल पे है, दोनों की इनकम औसतन जो आती है 5 से 8 लाख रुपए महीने के बीच में आती है। इस महीने जो इनकम हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है वो लगभग 7.5 लाख रुपए ट्रांसफर हो रही है। टोटल अब तक इस सिस्टम से मेरे परिवार में 9 करोड़ रुपए से ज्यादा अब तक इस सिस्टम से इनकम आई है। प्रेजेंट टाइम में मैं इस सिस्टम के माध्यम से जयपुर में रहता हूँ, जयपुर राजस्थान की पिंक सिटी है। यहाँ पे मैंने ये मकान आज से 12-13 साल पहले खरीदा था 40 लाख का, आज इस मकान की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। आज इस सिस्टम के माध्यम से, इस सिस्टम के प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, इसलिए आज मेरे परिवार में 30 लोग हैं और मेरे परिवार का मेडिकल का बिल 0 है। क्योंकि हम शुद्ध खाएंगे, असली खाएंगे तो घर से बीमारी नाम की चीज गायब हो जाएगी। दूसरा, इस कंपनी के, इस सिस्टम के संस्कार बहुत बढ़िया है, इसके संस्कारों की वजह से आज मेरा 30 लोगों का ज्वाइंट परिवार चलता है और घर में कोई ये नहीं बता सकता कि ये मेरा बच्चा है या मेरे भाई का बच्चा है। जैसा जितना प्यार मैं मेरे बच्चे को भी करता हूं उतना प्यार मैं मेरे भाई के बच्चों को भी करता हूं। जैसे समाज में जॉइंट परिवार चलना चाहिए उसी प्रकार आज मेरा 30 लोगों का जॉइंट परिवार चलता है। आज हमारे हिंदुस्तान के कई कोनों में कई जगह घर है, 4 जगह हमारे फार्म हाउस है, आज हमारे घर में 7 कारें हैं। जो लोग मेरी मजाक करते थे आज वो वहीं के वहीं हैं। जो लोग मेरी 18-19 साल पहले मजाक करते थे वो उस टाइम मेरी मजाक करते थे, वो आज भी किसी न किसी की मजाक कर रहे हैं। लेकिन जो लोग मजाक करते थे आज उनके परिवार को खेती या लेबर क्लास काम करना पड़ता है, आज भी उनकी 70-75 साल की माँ को खेत जाना पड़ता है और उनकी माँ के सर पे घास की गठरी होती है। लेकिन आज 18 साल बाद मेरी माँ 30-30 लाख के कार से चलती है। मैं फील्ड का आदमी हूं, हो सकता है कई बार कार, कई बार फ्लाइट, कई बार ट्रेन और कई बार हो सकता है रिक्शा भी नसीब नहीं हो, लेकिन आज मेरे परिवार का हर सदस्य अच्छी खासी लग्जरी लाइफ जी रहा है। ये सब इसलिए हुआ कि 18 साल से लगातार मैं इस सिस्टम में प्रयास करता हूं, इस सिस्टम को सीख रहा हूं, आज भी मैं इस सिस्टम का स्टूडेंट हूं। और ये परमात्मा की मेहरबानी है कि मुझे कर्म के रूप में दुनिया का 8वां अजूबा आरसीएम सिस्टम मिला। आरसीएम सिस्टम जैसा पवित्र बिजनेस कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। इस सिस्टम के संस्कार बहुत बढ़िया, इस सिस्टम के प्रोडक्ट बहुत बढ़िया और आरसीएम सिस्टम के माध्यम से आरसीएम के डायरेक्टर श्रीमान टीसी छाबड़ा सर से डायरेक्ट हमें सीखने का मौका मिला। और वो एक आम इंसान नहीं, इस सदी के युग पुरुष है जिन्होंने हिंदुस्तान में जन जन को अमीर बनाने का ठेका छुड़ाया है। आज इस सिस्टम के माध्यम से मुझे हजारों कामयाब लोगों से मिलने का मौका मिला। मैं लकी हूं कि मुझे महावीर सारण सर अपलाइन के रूप में मिले, राजाराम सारण सर अपलाइन के रूप में मिले, मुकेश कोठारी सर अपलाइन के रूप में मिले और श्रीमान बीसी छाबड़ा सर अपलाइन के रूप में मिले। मैंने बहुत कुछ इस बिजनेस में बीसी छाबड़ा सर से सीखा है और मेरे बिजनेस में अगर कामयाबी का राज एक लाइन में बताऊं तो मेरे से ज्यादा मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर महावीर सारण सर का रोल है। तमाम हेल्पलाइनों से मैंने सीखा है, कंपनी के मैनेजमेंट से सीखा है, मैं इस सिस्टम का आज भी स्टूडेंट हूं, ये मेरी कामयाबी का राज है। अगर मेरी कामयाबी का राज कोई एक लाइन में पूछे तो मेरी कामयाबी का राज एक लाइन में यह है, मेरी सोच आज भी यही है, पहले भी यही थी
कि अगर कहीं से भी मेरे को एक रुपया भी मिलता है तो मैं उसके बदले में 1.5 या 2 रुपए का काम करूं। आज इस सिस्टम से मैं लगभग 8 लाख रुपए महीने की इनकम ले रहा हूं, और मेरा ये मानना है कि मैं 8 लाख रुपए इनकम ले रहा हूं और अगर मैं काम करूंगा 2 लाख का तो कहीं ना कहीं सिस्टम को नुकसान होगा, मेरी टीम को नुकसान होगा, प्लस मेरे को खुद का नुकसान, प्लस संस्कारों का नुकसान होगा। चाहे आज समझ में नहीं आए लेकिन मेरे बच्चों में भी संस्कारों का नुकसान होगा अगर मैं फ्री की खाऊंगा। तो मुझे लगता है अगर कहीं से भी मैं 1 लाख रुपया कमा रहा हूं तो मुझे 1.5 लाख से ऊपर का काम करना चाहिए। इससे पूरे सिस्टम को फायदा, पूरी टीम को फायदा, प्लस मुझे फायदा, प्लस मेरे परिवार में संस्कारों का फायदा। हाँ, मैं दुनिया में नहीं रहूं या मैं बीमार पड़ जाऊं तो मैं काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं स्वस्थ हूं तो मुझे लगता है जितने मेरे पास क्षमताएं हैं उन क्षमताओं से मेरे को काम करना चाहिए। मेरी कामयाबी का राज है मैं मेरे शरीर के कतरे कतरे से आरसीएम सिस्टम को आगे बढ़ाने की ताकत लगाता हूं। और यही चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हो तो आप अपने शरीर की सारी ऊर्जा को इकट्ठा करिए और एक दिशा में अपने काम पे लगाइए। दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती। अगर आप आरसीएम सिस्टम में कामयाब होना चाहते हो तो ठीक से अगले 40 मिनट की मेरी बातों को ठीक से समझना है, और अगर आपको ठीक लगे तो पूरी ताकत के साथ आरसीएम सिस्टम में काम करना है। जितने भी नए साथी है थोड़ा उनके लिए बताना चाहूंगा, जिस भी व्यक्ति ने आज आपको यहां पे इनवाइट किया है या जिस भी व्यक्ति ने आपको आरसीएम बताया है, अगर आप आरसीएम सिस्टम में ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर है, कैसे इस सिस्टम में काम करना होता है, इस पे हम थोड़ा सा बारीकी से चर्चा करना चाहेंगे। उससे पहले हम बताना चाहेंगे, आप जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हो, आप कुछ ना कुछ काम करते हो, नौकरी, दुकानदारी, खेती, अन्य कोई काम, हाउसवाइफ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो काम आप कर रहे हो क्या उस काम से आपके सपने पूरे हो रहे, क्या उस काम से आपके सपने पूरे हो जाएंगे? और अगर आपको लगता है कि उस काम से सपने पूरे नहीं हो सकते तो मुझे लगता है आपको आरसीएम सिस्टम को बारीकी से देखना चाहिए। आप दुनिया में कोई भी काम करते हो, नौकरी करते हो, दुकानदारी करते हो, खेती करते हो, हाउसवाइफ करते हो, हाउसवाइफ हो, जो भी आप काम करते हो वहां से आपकी कुछ ना कुछ इनकम आ रही है, क्या उस इनकम से आप संतुष्ट हो? थोड़ा सा तुलना करना चाहूंगा मार्केट की और आरसीएम सिस्टम की। मार्केट में अगर आप कुछ भी पैसा कमाना चाहते हो तो नंबर वन आपके पास पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। अगर आपके पास पढ़ाई लिखाई नहीं है तो मार्केट में आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। आरसीएम सिस्टम में जैसे हो आप काबिल हो, मान लो आपकी उम्र 40 साल है और आप एक अच्छी नौकरी करना चाहते हो, अगर आपके पास पढ़ाई लिखाई नहीं है, बचपन में आपने नहीं पढ़ा, आपकी परिस्थितियां साथ नहीं दिया या आप उस टाइम पढ़ाई नहीं की, तो आज आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। आरसीएम सिस्टम में आप जैसे हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, आरसीएम के काबिल हो। मार्केट में चपरासी की नौकरी करने के लिए भी 8 क्लास पढ़ाई लिखाई चाहिए, लेकिन आरसीएम में एक अनपढ़ आदमी भी डायमंड बन सकता है, 25-50 लाख रुपए महीने की इनकम ले सकता है। नंबर दो, मार्केट में अगर आप कामयाब होना चाहते हो, कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आपके पास पैसा और इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मार्केट के 90% बिजनेस आपके काम के नहीं है, लेकिन आरसीएम बिजनेस में 0 इन्वेस्टमेंट है। आप जैसे भी हो आरसीएम बिजनेस के काबिल हो, कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है और आप आरसीएम में डायमंड लेवल पे जा सकते हो, लाखों रुपए महीने की इनकम ले सकते हो। नंबर तीन, अगर आप मार्केट में कुछ भी काम करना चाहते हो तो आपको 8 से लेकर 15 घंटे तक टाइम देना पड़ेगा। आप वर्तमान में जो भी काम कर रहे हो उसके साथ दूसरा काम करना मुश्किल हो जाएगा, पहले वाला काम डिस्टर्ब हो जाएगा। आरसीएम में कोई टाइम बाउंड नहीं है, जितना टाइम आपके पास खाली है आप उतना टाइम आरसीएम में लगा सकते हो। डेली 2 घंटे लगा सकते हो, संडे लगा सकते हो, महीने में 2 दिन लगा सकते हो, कुछ नहीं करते हो तो फुल टाइम कर सकते हो। जितना आपके पास खाली टाइम है उस टाइम का उपयोग करके आप आरसीएम में सक्सेस हो सकते हो। नंबर चार, मार्केट में आप कोई भी काम करते हो तो वहां पे आपको लिमिटेड इनकम आएगी, क्योंकि आपके काम करने से इनकम आएगी, दूसरों के काम करने से आपके घर में इनकम नहीं आएगी। लेकिन आरसीएम सिस्टम में जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ेगा पूरे नेटवर्क से आपको इनकम आएगी। एक लेवल के बाद आप काम नहीं करोगे तो भी इनकम आएगी, अनलिमिटेड इनकम आएगी। आज आरसीएम से कई एग्जांपल है, स्वर्गीय ओपी शर्मा जी फर्स्ट ग्रेड गजटेड अधिकारी थे, साथ साथ में उन्होंने आरसीएम बिजनेस को समझा किया। आज वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी आज उनकी सेकेंड जनरेशन को
बहुत अच्छी खासी 30 से 50 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही है। मार्केट में जब तक काम करोगे तब तक इनकम आएगी, जब तक घंटी बजाओगे तब तक इनकम आएगी, घंटी बजाना बंद इनकम बंद। आरसीएम में अनलिमिटेड पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आएगी। ये अंतर है मार्केट में और आरसीएम में। अगर आप आरसीएम में ज्वाइन करना चाहते हो तो जिस व्यक्ति ने आपको यहां पे इनवाइट किया है उस व्यक्ति को अपने डॉक्यूमेंट केवाईसी दीजिए और आरसीएम की दुकान से सामान खरीदिए जो आपके घर में पहले से यूज हो रहा है। नमक, मिर्च, हल्दी, तेल, मंजन, कपड़ा, जूता, लगभग 500 से ज्यादा प्रकार का सामान आज आरसीएम सिस्टम में आता है। हर महीने आपके घर में 2-4-5-10 हजार का सामान यूज होता है। वो सामान आप आरसीएम से ले लीजिए, केवाईसी डॉक्यूमेंट दे दीजिए, उतने में आपको वो सारे अधिकार मिल जाएंगे जो आज हमारे पास है या किसी भी कामयाब लीडर या कामयाब डिस्ट्रीब्यूटर के पास है। इतना करने से आप आरसीएम सिस्टम में शामिल हो गए। अब अगर आप आरसीएम सिस्टम में बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हो तो आपको करना क्या है? मैं छोटे मोटे 4 काम करता हूं, यही 4 काम की मैं आपसे राय दूंगा। नंबर 1, सबसे पहला काम, अगर आप आरसीएम सिस्टम पर कामयाब होना चाहते हैं तो आपको आरसीएम सिस्टम का 100% सामान यूज करना है। शॉर्ट में बताऊं तो दुकान बदलनी है। आज तक आपने हजारों बार दुकान बदली, रेट पसंद नहीं आया, दूरी पसंद नहीं आया, व्यवहार पसंद नहीं आया, आपने दुकान बदल ली। एक बार मेरे कहने से बदल लो, मेरी जिंदगी बदली है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। यानी 100% सामान यूज करना है। शुरुआत में जब आप आरसीएम का सामान यूज करोगे आपको लग सकता है महंगा, सस्ता, घटिया, बढ़िया, नकली, असली, नजदीक, दूर, ये आपके दिमाग का डाउट है। जैसे जैसे आप उस सामान को उपयोग करोगे, जैसे जैसे उसकी क्वालिटी पता चलेगी, आपको ये पता चल जाएगा कि आरसीएम का सामान मार्केट से सस्ता है, क्वालिटी बढ़िया है, इनकम देता है। शॉर्ट में बताऊं तो दुकान बदलनी है। दुकान बदलने से मेरी जिंदगी बदली है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। लाखों बार आज तक आपने दुकान, एक बार मेरे कहने से दुकान बदल लो, मेरी जिंदगी में जो परिवर्तन आया है उससे बड़ा परिवर्तन आपकी जिंदगी में आ सकता है। अगर आप 100% यूज करोगे तो आपका ऑटोमेटिक डायमंड क्लब होने लगेगा। आप 100% उपयोग करोगे तो आप आराम से डिस्प्ले वाल चला सकते हो। डिस्प्ले वाल आपका आराम से चलेगा, आराम से आपका डायमंड क्लब मेंटेन होगा ओनली 100% यूज करने से। नंबर 2, अगर आप आरसीएम में बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हो तो आरसीएम बिजनेस नया है। हमारे घर में नौकरी, दुकानदारी, खेती, ये पहले से हो रहा है, हमारे पूर्वज कर रहे हैं, हमें स्कूल कॉलेज में सिखाया, हमारे भाई बंधु रिश्तेदार कर रहे हैं, हम वहां से सीख रहे हैं। लेकिन आरसीएम बिजनेस हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया, नया है, इसलिए इसको सीखना है। एग्जाम्पल, आपके घर में 5 साल का बच्चा है, उसको कोई भी 2 या 5 रुपए की गोली टोपी देके उसको बहका सकता है, गलत काम करा सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी नॉलेज कम है। क्या 2 या 5 रुपए की गोली टोपी देके आपको कोई बहका सकता है, आपसे कोई गलत काम करा सकता है? नहीं, क्योंकि आपकी नॉलेज ज्यादा है। तो अगर आपकी नॉलेज नहीं हुई तो लोग आपको डिस्टर्ब कर देंगे, आप असफलताओं से घबरा जाओगे। इसलिए आरसीएम बिजनेस को सीखना है। सीखने के लिए सबसे पहले यह प्लान बुक है। इस प्लान बुक को कम से कम आप 50 बार पढ़ दीजिए। अगर आप अनपढ़ हो, आपके घर में कोई बच्चा पढ़ा लिखा होगा, उससे आप पढ़वा के सुनिए। 50 बार सुनोगे किताब आपको रट जाएगी। ये छोटी सी किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है। बारीक सारी चीजें इसके अंदर है जो आरसीएम में कामयाबी के लिए चाहिए। सबसे पहले इस प्लान बुक को पढ़िए, उसके बाद आरसीएम का ये यूट्यूब चैनल है, आप इससे जुड़िए। इस पे जो भी ऑडियो वीडियो आए आप उसको ध्यान से सुनिए, आरसीएम की साइट से सीखिए। जो व्यक्ति ने आपको ज्वाइन करा रहा है आप उससे सीखिए। आपकी अपलाइन में, यानी एलओएस में, अपलाइन मतलब जो आपके एलओएस में है, एक्टिव है, इफेक्टिव है, ग्रोइंग है, और जो सिस्टम से काम कर रहा है आप उसकी संगत करिए, उससे सीखिए। अपना दिमाग मत लगाइए। जितने भी लोगों ने आरसीएम सिस्टम में अपना दिमाग लगाया वो इस सिस्टम में बाहर हो गए, असफल हो गए। और जिन्होंने सिस्टम के हिसाब से काम किया, कंपनी के हिसाब से काम किया, अपलाइन की गाइडलाइन में काम किया, वो सारे लोग इस सिस्टम में सक्सेस हो गए। इसलिए जितना इसको सीखोगे उतनी बड़ी कामयाबी आएगी। सीखना शुरू, जीतना शुरू, सीखना बंद, जीतना बंद। मैं आज भी इस बिजनेस का स्टूडेंट हूं। बीच बीच में इसमें आरसीएम की अकेडमी होती है, बीच बीच में और बहुत से एनिवर्सरी होती है, बहुत से फंक्शन होते हैं, आप उनसे सीखिए। प्रोडक्टों की अलग अलग ट्रेनिंग होती है, उनसे सीखिए। इन सारी चीजों को सीखिए और एक अच्छे स्टूडेंट बन जाइए। ये इसमें कामयाबी का बहुत बड़ा राज आपकी जिंदगी में होगा। नंबर 3, अगर आरसीएम सिस्टम में बहुत बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हो तो डेली
कम से कम दो चार लोगों को आरसीएम के बारे में बताइए। जब आप आरसीएम के बारे में बताने जाएं, कोशिश करें वेल अप टू डेट आरसीएम की ड्रेस में जाएं, साथ में एक बैग रखिए, बैग में टूल्स रखिए और प्रोडक्ट रखिए। आप टूल्स और प्रोडक्ट को दिखाते हुए डेली दो चार लोगों को बताइए। बताते टाइम ये मत सोचिए कि सामने वाला क्या सोचेगा, ये काम आपका नहीं है। मंदिर में पुजारी होता है, उसका काम होता है प्रसाद को देना, कोई ले उसका भी भला, कोई नहीं ले उसका भी भला। तो आपको डेली दो चार लोगों को इसके बारे में बताना है और इस बात की परवाह नहीं करनी कि सामने वाला क्या सोचेगा। क्या सोचेगा, ज्यादा से ज्यादा तीन रिजल्ट होंगे। सबसे पहला, जब आप बताओगे तो वो मना कर देगा, तो क्या फर्क पड़ता है, पहले वो कौन सा जोइन है सब। ज्यादा से ज्यादा वो मना करेगा, मना नहीं करेगा तो आपका सामान खरीदेगा, तो आपकी रिटेलिंग हो गई। आप उसको प्रिंट रेट बेचे ताकि कुछ आपका रूटीन का खर्चा निकले। नंबर तीन क्या करेगा, ज्वाइन करेगा। ज्वाइन करेगा तो आपका नेटवर्क बढ़ेगा। आप मार्केट में दुनिया में कोई भी काम करो, आपके काम करने से इनकम आएगी, लेकिन दुनिया में जितने लोग अमीर बने हैं ना, उन्होंने एक बड़ा नेटवर्क बनाया है। यहाँ पे अपने को भी नेटवर्क बनाना है, इसलिए डेली दो चार लोगों को इसके बारे में बताना है। क्या करना है इसके लिए, सिक्स बेसिक का दो नंबर पॉइंट है, लिस्ट बनाना। आप अपने जानने वालों की लिस्ट बनाइए। जैसे आपके घर में ब्याह शादी फंक्शन होता है तो आप एक लिस्ट बनाते हो उनको इनवाइट करने के लिए, उसी प्रकार आप लिस्ट बनाइए, उसमें से डेली दो चार लोगों को बताइए। बताते टाइम कोई प्रीजज मत करिए, आपका काम है डेली दो चार लोगों को बताना। धीरे 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 आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा और आज आपके सामने बैठे जयनारायण का जब लाखों लोगों का नेटवर्क हो गया तो आपका भी हो जाएगा। चार, मेरी कामयाबी का राज है कि मैं एक तारीख को अपने सीनियर के साथ डायरी बॉल पेन लेके बैठता हूं, काउंसलिंग करता हूं, एक तारीख को पूरे महीने का टारगेट डिसाइड करता हूं और पूरे महीने एक तारीख से लेके लास्ट तारीख को रात 12 बजे तक उस टारगेट के लिए रेस लगाता हूं। यानी टारगेट लेके काम करना है। ये चार काम करने से मेरी जिंदगी बदली है, आपकी जिंदगी बदल सकती है और एकदम आसान है, हर कोई कर सकता है। आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, अमीर हो, गरीब हो, गांव के हो, शहर के हो, कोई मायने नहीं रखता। जो जो इंसान ये चार काम करेगा 18 साल बाद जनरल स्टार रूबी है, लेकिन वो वक्त अलग था। आज अगर आप ये काम करते हो अगले 5 साल में मिनिमम आप स्टार रूबी लेवल पे जाओगे। छोटे मोटे दो काम और बताऊं, नोट करना। अगर आप आरसीएम बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हो तो मेरे कहने से आज घर जाना, उसके बाद अपने 24 घंटे के टाइम को ड्रा करना। दुनिया में जितने लोग हैं जो अमीर गरीब जो भी आपको दिखाई देते हैं, उन्होंने 24 घंटे के टाइम का ठीक से उपयोग किया है। आप 24 घंटे के टाइम को ड्रा करना। मैं मेरे हिसाब से बताऊं, 24 घंटे में अगर आपकी उम्र 20 से 60 के बीच में है, 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा आपको 6 घंटे की नींद कर लीजिए, 2 घंटे आपके टॉयलेट बाथरूम खाना पीना नहाना धोना, 6 और 2 8 घंटे हो गए जो रूटीन जिंदगी के लिए जरूरी है आपके लिए। अब 24 में से 8 घटाओ, पीछे बचे 16 घंटे। दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं, जितने अमीर लोग हैं, वो इस 18 घंटे का अपने टारगेट के लिए टारगेट के पीछे लगाते हैं, इसलिए वो अमीर है। दुनिया में जितने आम आदमी है, आम चूस के फेंकने के काम आता है, दुनिया में जितने आम आदमी है वो इस 18 घंटे को टाइम को बर्बाद करते हैं। दारू, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट, गप्पे हाँकना, टीवी, अखबार, मोबाइल, पीठ पीछे बुराई करना, हराना, जिताना, पीठ पीछे मजाक करना, इन कामों में टाइम बर्बाद करते हैं। और दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं वो अपने इस 18 घंटे के टाइम को अपने टारगेट के लिए लगाते हैं। आप भी अपने 24 घंटे के टाइम को ड्रा करो और चेक करो कि कल आपने कितने घंटे काम किया, कल आपने कितने घंटे बेकार किया, किल किया। जो टाइम आपने बेकार किया, किल किया, वो टाइम आरसीएम में लगा दीजिए। अगले 5 से 10 साल बाद मेरी जिंदगी बदली है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक एग्जांपल, मान लो आप हाउसवाइफ हो, मान लो आप हाउसवाइफ हो, हाउसवाइफ क्या करती है, खाना पीना, टॉयलेट बाथरूम, झाड़ू पोछा, पति की सेवा, माँ बाप की सेवा, बच्चों की सेवा, ये वो सब, और आप पूरा दिन इसी काम में लगाते हो। लेकिन चेक करना, मेरे कहने से आप पूरा दिन इसी काम में लगाते हो, लेकिन जिस दिन आपको मायके जाना होता है आप सारा काम 3 घंटे में निपटा देती हो। इसका मतलब क्या है, आपका काम तो 3 घंटे का है, बाकी मान लो आप नौकरी करते हो और रोज वहां पे 8-10 घंटे की ड्यूटी देते हो। अगर आपका मालिक, आपकी सरकार आपको यह बोल दे कि जितना काम आपने पिछले पूरे महीने में किया
उतना काम जल्दी जल्दी कर दो बाकी छुट्टी, तो मेरी गारंटी है हिंदुस्तान के 90% कर्मचारी जो महीने में काम किया था ना वो 10 या 15 दिन में निपटा देंगे। इसका मतलब क्या है, काम तो 10 या 15 दिन का था, हाउसवाइफ का काम 3 से 5 घंटे का था, लेकिन लगा रहे हैं उसमें 18 घंटे। कहां लगा रहे हैं, गप्पे आंकड़े में, पीठ पीछे बुराई करने में, टीवी अखबार में, मोबाइल से खेलने थे। ये 1000, 2000, 5, 10 हजार का अंतर है। आज हमारे बहुत से यंग इसमें घुसे रहते हैं, क्या निकलेगा आपको लगता है इसमें से डायमंड निकलेगा, क्या निकलेगा बताइए, सिर्फ टाइम बर्बादी। तो जो टाइम हम किल कर रहे हैं, आप अपनी नौकरी, दुकानदारी, खेती, हाउसवाइफ, जो काम आप करते हो उसको करते रहिए, जो टाइम हम बर्बाद करते हैं वो टाइम आरसी में लगा दीजिए। मेरी जिंदगी बदली है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगला काम, 5 से 10 साल आरसीएम को प्रायोरिटी पे ले लीजिए, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आरसीएम ले लीजिए। 5 से 10 साल आरसीएम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे ले लीजिए, आरसीएम आपको पूरी जिंदगी प्रायोरिटी पे रखेगी। मात्र 5 से 10 साल सारे काम सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी पे कर दीजिए। जब मैंने आरसीएम ज्वाइन किया, मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं आरसीएम में लग गया, पहली करवा चौथ आई, मैं यूपी में था, घर से भतीजी का फोन आया, अंकल कहाँ हो, मैंने कहा यूपी में हूं बेटा, क्या हुआ, बोले अंकल आपको नहीं पता आज करवा चौथ है, मैंने कहा बेटा आपने बता दिया, पता चल गया, बोले घर पे होना था, मैंने कहा क्यों, बोले आज चाची की पहली करवा चौथ है, घर पे होना था, मैंने कहा बेटू माफी चाहता हूं, जब करवा चौथ होता है मेरी नॉलेज ये है पूरे दिन एक पत्नी भूखी प्यासी रहती है, शाम को व्रत खोलती है चांद उग जाए तब, और वो छलनी में से चांद को देखती है और सामने पति को खड़ा करती है, यानी पति को भी चांद के रूप में देखती है। मैंने कहा बेटा मैं माफी चाहूंगा, आज तेरी चाची अगर छलनी में से देखेगी तो उसको चांद या देवता दिखाई नहीं देगा, उसको एक राक्षस प्रवृत्ति का इंसान देगा, क्योंकि मैं कमाता कुछ नहीं हूं, मैं चाहता हूं उसको अंदर से चांद दिखाई दे, इसलिए मुझे लगता है 2-4 करवा चौथ मुझे काम करना चाहिए। कई बार कोई 30 त्यौहार आए, मैं फील्ड में था, 5 से 10 साल इस सिस्टम को प्रायोरिटी दे दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा, एक आध 30 त्यौहार नहीं बना पाओगे, क्या फर्क पड़ेगा एक आध करवा चौथ बाहर रह गए। तो जब आरसीएम करने जाता था, नई नई शादी हुई थी, किराए के मकान पे रहता था, वाइफ को सीढ़ियों पे रोते हुए छोड़ के जाता था, जब मैं वापस आता था वहीं पे रोती हुई मिलती थी, मेरे दिमाग में एक चीज आती थी कि आज अगर मैं इसके आंसुओं की वजह से रुक गया तो इसके ये आंसू जिंदगी भर आएंगे, लेकिन आज अगर मैं काम पे गया और मैंने अगर कड़ी मेहनत की तो उसकी आंख से जिंदगी में कभी आंसू नहीं गिरेगा और आज मैं वो जिंदगी जी रहा हूं। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी साथी मेरी बात सुन रहे हैं, 5 से 10 साल आरसीएम को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दीजिए, ये बिजनेस आपको पूरी जिंदगी प्रायोरिटी देगा। 5 से 10 साल पूरा सीरियस होकर इस सिस्टम में लग जाइए। दोस्त अगर आरसीएम सिस्टम में बड़ी कामयाबी पर जाना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपना एक सपना डिसाइड करिए, एक ड्रीम देखिए कि मैं आरसीएम से यह करना चाहता हूं। आप ज्यादातर लोग, जितने मेरे लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आप आरसीएम ज्वाइन कर चुके हैं, क्या करना चाहते हैं आरसीएम से, क्या चाहते हो, कोई कार, कोई घर, कोई घूमना फिरना, कोई पैसा, कोई रुतबा, कोई सम्मान, कोई स्टेज, आपका जो भी सपना आप आरसीएम से देखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए क्या आपको टाइम लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा, मेरी बात का जवाब दीजिए। आपने आरसीएम ज्वाइन कर लिया, अब आरसीएम से कोई सपना पूरा करना चाहते हो, जो भी आपका सपना है उस सपने को नोट करिए, उस सपने के लिए आपको कितनी इनकम चाहिए और उस इनकम के लिए, उस सपने के लिए आपके पास टाइम कितना है। बहुत से लोग आरसीएम ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन आरसीएम को टाइम नहीं देते हैं, आरसीएम को टाइम नहीं, आप टाइम कितना दे रहे हो। सबसे पहले आप अपना टाइम सेट करिए कि आपको अपना सपना पूरा करने के लिए 24 घंटे में से कितना टाइम आपके पास आरसीएम के लिए है। अब आपने टाइम डिसाइड किया कि मेरे पास 2 घंटे है 4 घंटे है 6 घंटे है, मान लो आप हाउसवाइफ हो तो दोपहर के 3-4 घंटे आपके पास खाली है, मान लो आप नौकरी करते हो सुबह शाम का टाइम आपके पास खाली है, मान लो आप किसान हो, मैं अच्छा खासा किसान हूं, मैं जानता हूं खेती में 4 महीने बढ़िया काम होता है बाकी टाइम फ्री होता है, आपके पास कितना टाइम है कामयाब होने के लिए। अगर आप जिंदगी में सपने पूरे करना चाहते हो तो टाइम तो देना पड़ेगा ना, ये बात आप सभी लोग जानते हो, तो कितना टाइम आपके पास है आरसीएम को देने के लिए। आप डायरी में लिखिए कि मैं 2 घंटे रोज दूंगा, 4 घंटे रोज दूंगा, 10 घंटे रोज दूंगा, अगर फुल टाइम हो तो कितने घंटे आप आरसीएम को दे रहे हो, आप उसमें करते क्या हो, आपने पिछले पूरे महीने में किया क्या। मेरी भाषा में समझना चाहो तो हमें
सबसे पहले टाइम सेट किया कि इतना टाइम मेरे पास है, अब उस पर डेली एक्शन करिए, डेली एक्शन करिए। डेली एक्शन में क्या आता है, मेरी भाषा में सबसे पहले आरसीएम का मार्केटिंग प्लान। एक इंसान को मार्केटिंग प्लान दिखाओगे 10-15-20 मिनट का टाइम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा मान लो 30 मिनट। एक आदमी को प्लान दिखाने में 30 मिनट लगेंगे साहब। क्या करो इसके लिए, लिस्ट बनाओ, फोन कॉल करो, टाइम सेट करो, ड्रेस पहनो, बैग सेट करो और तय टाइम में उसके पास जाओ और उसको बताओ। जब आप प्लान बताओगे क्या होगा, या तो मना करेगा या सामान खरीदेगा या ज्वाइन होगा, लेकिन एक प्लान दिखाने में ज्यादा से ज्यादा टाइम लगता है 30 मिनट। तो डेली एक्शन क्या कर रहे हो, सबसे पहला काम डेली एक्शन में प्लान दिखाना, और एक प्लान में टाइम लगता है ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट। दूसरा डेली एक्शन में क्या काम है कि जिसको आप ज्वाइन करा रहे हो अगले दिन उसके साथ काउंसलिंग करो, उसको डायमंड क्लब के बारे में बताओ, उसको पूरा प्लान दोबारा बताओ, उसको डिस्प्ले वाल के बारे में बताओ, उसको प्रोडक्ट की बारीक नॉलेज दो, उसको यूट्यूब चैनल के बारे में बताओ आरसीएम के, उसको आरसीएम की बारीक सारी चीजें बताओ, और उसके घर पे 2-4 दिन बाद होम मीटिंग करो। एक होम मीटिंग में 1-2 घंटे का टाइम लगता है, आप ज्यादा से ज्यादा मान लो 2 घंटे। जितने भी आपके टीम में ज्वाइन लोग हैं, हर डिस्ट्रीब्यूटर के घर पे कम से कम महीने में एक होम मीटिंग होनी चाहिए, जिसको आप काउंसलिंग बोल सकते हो, होम मीटिंग बोल सकते हो, गेट टुगेदर बोल सकते हो। एक होम मीटिंग हर महीने होनी चाहिए। अगर आप आरसी में कामयाब होना चाहते हो, कम से कम 2 प्लान रोज, 2 प्लान में लगेगा 1 घंटा, कम से कम एक होम मीटिंग रोज और एक होम मीटिंग में लगेंगे 2 घंटे। तीसरा काम डेली एक्शन में, डेली फोन कॉल, लोगों से संपर्क करने के लिए, लोगों को टारगेट देने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को जूम पे मीटिंग पे बुलाने के लिए। और एक फोन कॉल में मेरी नजर में लगभग 4 मिनट का टाइम लगता है। तो साहब डेली एक्शन में हमने 3 चीज बताई, पहला प्लान दिखाना एक प्लान में 30 मिनट, दूसरा होम मीटिंग एक होम मीटिंग में 2 घंटे, तीसरा डेली फोन कॉल एक फोन कॉल में 4 मिनट। अब मेरे कहने से आप जितने लोग मेरी बात सुन रहे हो, आप चेक करिए पिछले पूरे महीने में प्लान कितने दिखाए। मान लो आपने 30 प्लान दिखाए, 30 प्लान में घंटे लगे साहब 15। मान लो आपने पूरे महीने में 2 होम मीटिंग की, तो आपने काम किया 4 घंटे। मान लो आपने पूरे महीने में 40 फोन किए, तो साहब 160 मिनट उसमें लगे। यानी पूरे महीने में काम कितने घंटे कर रहे हैं साहब। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जितने भी लोग आरसीएम में असफल होते हैं या जिनका आरसीएम धीरे चल रहा है, क्या करते हैं, घर से निकलेंगे आरसीएम करने के लिए, पिकअप सेंटर पर जाके बैठ गए, अपलाइन की, डाउनलाइन की, सिस्टम की, अन्य कंपनियों की, प्रोडक्ट की आलतू फालतू बात करेंगे। एक्शन कितना किया, हमने प्लान कितने दिखाए, हमने होम मीटिंग कितनी करी, हमने फोन कॉल कितना किया। आप अपनी डायरी में चेक करिए कि आप कितना टाइम आरसीएम को रोज दे रहे हो। मेरे कहने से रोज 2 प्लान दिखा दीजिए, रोज 1 होम मीटिंग कर दीजिए, रोज 5-10 फोन कॉल कर दीजिए। अगले 3 साल में आपकी 1,00,000 रुपए महीने से ऊपर इनकम निकलेगी। 5 साल में अगला स्टार रूबी का नंबर आपका है, अगर आपने डेली एक्शन किया तो। लेकिन हम एक्शन नहीं करते हैं। आपने प्लान कितने दिखाए, होम मीटिंग कितनी करी, फोन कॉल कितने किए, चेक करिए अपने आप को। अगर आप इस सिस्टम में कामयाब होना चाहते हो, इस सिस्टम में आपका कोई बॉस नहीं, आपका कोई अधिकारी नहीं, आप खुद अपने बॉस बनिए और अपने आप को चेक करिए और अपने आप के लिए कठोर बॉस बनिए। चेक करिए कि पूरे महीने में मैंने प्लान कितने दिखाए, पूरे महीने में मैंने होम मीटिंग कितनी करी, पूरे महीने में मैंने फोन कॉल कितने किए। इन तीनों चीजों से चेक करिए कि आप काम कितना कर रहे हैं। किसी दूसरे की कमी निकालने से कुछ नहीं होने वाला। हम लोग अपलाइन की, टीम की, कंपनी की, सिस्टम की, डाउनलाइन की, पिकअप सेंटर की कमियां निकालने से कुछ नहीं होगा। अपने आप की कमी निकालने से, अपने आप में सुधार करने से बहुत कुछ किया जा सकता है। मैंने सुना है 84,00,000 बार जीवन जीने के बाद 1 बार मनुष्य शरीर मिला है। मैंने सुना है इंसान तूफान से टकरा सकता है, चट्टान से टकरा सकता है, आग से टकरा सकता है। आपकी सीट पर बैठा हुआ इंसान अगर ठान ले तो यह इंसान कुत्ते से घटिया काम भी कर सकता है और परमात्मा से बढ़िया काम भी कर सकता है। मैंने सुना है कि एक औरत जब मां बनने वाली होती है, उसके पेट में 9 महीने तक बच्चा रहता है। मैंने यह भी सुना है जब अंदर बच्चा होता है, जैसे ही बच्चा 2-2.5 महीने का हो जाता है, वो पेट में अंदर घूमना शुरू कर देता है और एक मां को दिन में 10-10-20-20 बार दर्द होता है। कभी यह दर्द आपकी और मेरी मां के भी हुआ था। जब अपनी मां के दर्द हुआ, चाहे अपनी मां कैसी भी है, पढ़ी लिखी है, अनपढ़ है, गांव की है, शहर की है, अमीर है, गरीब है,
लेकिन अपनी माँ ने ये नहीं बोला इसको निकाल के फेंक दो, उसने दर्द सहन किया, इस उम्मीद के साथ दर्द सहन किया कि मैं आज जो दर्द सहन कर रही हूँ कल को मेरा बच्चा दुनिया में आएगा, कामयाब होगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरे सपने पूरे करेगा। जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो एक औरत की सहन क्षमता से 7 गुना ज्यादा दर्द होता है, और उस टाइम कोई डॉक्टर नशे का इंजेक्शन नहीं लगाता। एक माँ दर्द सहन करती है इस उम्मीद के साथ कि मैं आज जिस औलाद को जन्म दे रही हूँ ये औलाद मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। एक बच्चा जब छोटा होता है सर्दी की रात में सुसु पोटी कर देता है, एक माँ सर्दी की रात में 3 बजे बच्चे को गीले पर से सूखे पे सुलाती है, खुद पूरी रात गीले पे सोई रहती है। माँ बाप घटिया खाना खाते हैं, बच्चे को बढ़िया खाना खिलाते हैं। माँ बाप घटिया कपड़ा पहनते हैं, बच्चे को बढ़िया कपड़ा पहनाते हैं। माँ बाप अनपढ़ होते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं। ये सारे काम आपके और हमारे माँ बाप ने किया। आज मैं एक सवाल पूछने आया हूं, आज तक हमने माँ बाप के लिए क्या किया? जब दुनिया में बहुत से बच्चे जब अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो आपकी और मेरी सीट पे बैठा हुआ इंसान अपने माँ बाप के सपनों को पूरा क्यों नहीं कर सकता? आप देखिए इस आरसीएम सिस्टम को। जब इस आरसीएम सिस्टम में मुकेश कोठारी सर, महावीर सायन सर, राजा राम सायन सर, सुरेंद्र वत्स सर, एस अत्री सर, राकेश शर्मा सर, सुजीत सर, राजा राम सायन सर, ये इस बिजनेस में जब नंबर 1 लेवल पे जा सकते हैं और लाखों रुपए महीने की इनकम ले सकते हैं, तो आपकी और मेरी सीट पे बैठा हुआ इंसान लाखों रुपए महीने की इनकम क्यों नहीं सकता? हम क्यों नहीं कामयाब हो सकते? दोस्त अपनी जिम्मेदारियों को समझें। आज घर जाके अपने माँ बाप पत्नी बच्चों को देखना और आप अपने आप से चेक करना कि मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। जब दुनिया में बहुत से लोग, ये जितने आरसीएम में कामयाब लोग हैं, आज जितने भी आरसीएम की कोर टीम में लोग हैं, जितने भी स्टार रूबी एंड अबव है, इनकी आप हिस्ट्री देखिए। ये कल तक एक आम आदमी थे लेकिन इन्होंने आरसीएम सिस्टम को ज्वाइन किया, सिस्टम के साथ काम किया, पूरी ताकत के साथ टारगेट लेके काम किया और आज ही अपने परिवार के गेम चेंजर बन गए। जब ये लोग अपने परिवार के गेम चेंजर बन सकते हैं, तो क्या आप और हम अपने परिवार के गेम चेंजर क्यों नहीं बन सकते? मुझे कारण बताइए साहब। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। एक सफेद पत्थर था, मूर्तिकार ने उस पे काम करना शुरू किया, पत्थर चिल्लाने लग गया, दर्द सहन नहीं किया, मूर्तिकार ने उस पत्थर को छोड़ दिया, दूसरा पत्थर उठाया और उस पे काम करना शुरू किया और उस पे काम करता गया और एक सुंदर मूर्ति बन गई। कोई दानी पुण्य आदमी मंदिर बनाया, वो वहां पे मूर्ति लेने के लिए आया और उसने वही मूर्ति सिलेक्ट कर ली। मूर्ति लेके जाने लगे, उनके दिमाग में एक चीज आई कि नारियल फोड़ने के लिए भी पत्थर चाहिए। आगे वही पत्थर मिला जो रोना चिल्लाना शुरू कर दिया था, उन्होंने वो पत्थर भी खरीद लिया और मंदिर में दोनों चीज लगा दिया। एक मूर्ति लगा दी, सामने पत्थर लगा दिया नारियल फोड़ने के लिए। दोनों में अंतर क्या है दोस्त? एक ने चोटे सहन की, एक ने चोटे सहन नहीं की। जिसने चोटे सहन करी वो मूर्ति बन गई। लोग उस पे फल फूल मालाएं चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, उसको भोग लगाते हैं तरह तरह का। दूसरे पे नारियल फोड़ते हैं, कोई भी आए जय माता दी, जय बाबे दी, टक, पूरी जिंदगी उस पे नारियल फोड़ेंगे साहब। दोस्त 5 से 10 साल टारगेट लेके इस आरसीएम सिस्टम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे करिए और टारगेट लेके टाइगर की तरह, एक शेर की तरह टारगेट पे झपट्टा मारिए। 5 से 10 साल तक अपने आप को इस सिस्टम में झोंक दीजिए। आगे की जिंदगी राजा की जिंदगी जियोगे और एक दिन राजा की मौत मरोगे, वरना पूरी जिंदगी लोग नारियल फोड़ेंगे। अरे एक गरीब आदमी पूरी जिंदगी तिल तिल मरता है, लेकिन अमीर आदमी 5-10 साल में पूरा मर लेता है, आगे की जिंदगी राजा की जिंदगी जीता है और राजा की मौत मरता है। साहब अगर आरसीएम सिस्टम में कामयाब होना चाहते हो तो आपके ऊपर जो भी एलओएस में अपलाइन है, एक्टिव है, ग्रोइंग, जो खुद अपलाइन की संगत में काम करता है, किसी एक इंसान को अपना गुरु मान लीजिए, अपना मेंटर मान लीजिए और उसकी संगत में सीखना शुरू करिए। अपना दिमाग नहीं लगाइए और सारी जिम्मेदारी आप खुद लीजिए। जहां से आपकी ज्वाइनिंग लग गई, मैं बहुत से लोगों को देखता हूं, मेरी ये अपलाइन चलाएगी, मेरी अपलाइन ये करेगी, मेरी डाउनलाइन ये करेगी, वो ये करेंगे। नहीं साहब, कामयाब आप होना चाहते हो, सपने पूरे आप करना चाहते हो, तो सारी जिम्मेदारी आपकी है जहां से आईडी लग गई। बहुत से लोग ताका जाकी करते हैं। अरे मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं जिनकी एक चल गई लेकिन दूसरी नहीं चली। क्यों? क्योंकि वो जिम्मेदारियों से भागते हैं। मुझे दुनिया में एक आदमी बता दीजिए जो जिम्मेदारियों से भागा और कामयाब हो गया हो। इसलिए दोस्त सिकवा शिकायत नहीं करिए। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो जहां से आपकी आईडी लग गई सारी जिम्मेदारी आपकी और शुरू हो जाए
चाहिए। जो शुरू हो जाता है वो गुरु हो जाता है। बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं? वो तो वही करते हैं जो मन में ठान लेते हैं। होते हैं जिनमें हौसले मिलते हैं उनको रास्ते। ये दुनिया नहीं है भूसबिलों के वास्ते। समा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती और तूफान से गुजर सकती है। मायूस ना हो, इरादा ना बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। किसकी बदलेगी? जो टारगेट लेके काम करेगा। अरे सिकवा शिकायत में क्या रखा है? हो सकता है जिस अपलाइन के भरोसे आपने एक लेग छोड़ दी, हो सकता है उसका कोई विजन ही नहीं हो, हो सकता है उसके सपने तो मर चुके हो, क्या उसके बदले में आप अपने सपने मारोगे? इसलिए सिकवा शिकायत मत करो साहब। जहां से आपकी ज्वाइनिंग लग गई, सारी जिम्मेदारी आपकी है। सिस्टम का सारा लीजिए, कंपनी का सारा लीजिए, जो एलओएस में आपकी हेल्प करता है उसकी हेल्प लीजिए। सारी जिम्मेदारी आपकी है और शुरू हो जाइए एक मजबूत इरादे के साथ, मजबूत इरादे के साथ। अरे बहुत से लोगों को मैं देखता हूं, मैंने सुना है 84 लाख बार जीवन जीने के बाद मनुष्य शरीर मिला है। बहुत से लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते हैं और वहां पे जाके हाथ फैलाते हैं, भगवान अल्लाह के नाम पे दे दे, वाहिगुरु के नाम पे दे दे। अरे क्यों हम भिखारी बन रहे हैं साहब? परमात्मा ने क्या नहीं दिया? अरे सारी शक्तियां हमें दी है और हम वहां पे जाके हाथ फैला रहे हैं। अरे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाइए और धन्यवाद करिए उस भगवान का, उस देवता का, और उसको धन्यवाद करिए कि हे भगवान मुझे शक्ति दे, मेरी शक्तियों को जागृत कर ताकि मैं मेरी सारी शक्तियों का उपयोग कर सकूं। अरे आप शक्तियों का खजाना हो। इस पूरी दुनिया में 700 करोड़ की आबादी है। आपका चेहरा, आपका फिंगरप्रिंट, आपका आरएनए डीएनए किसी से नहीं मिलता। परमात्मा ने आपको अकेला और निराला बनाया है। बस आप बहाने खत्म कर दीजिए। जिंदगी में बहाना और कामयाबी एक साथ नहीं रहती। जब इस सिस्टम से महावीर सैन कामयाब हो सकता है, राजा राम सैन कामयाब हो सकता है, मुकेश कोठारी कामयाब हो सकता है, और इस तरह के लाखों करोड़ों लोग कामयाब हो सकते हैं, तो आपकी सीट पर बैठा हुआ इंसान क्यों नहीं हो सकता? करना क्या है? अरे संगत बदलिए, छोड़ दीजिए उन असफल लोगों को, दारी बूढ़ी पुड़िया, सिगरेट, लाई झगड़ा, टीवी, अखबार, मोबाइल से खेलना, इनकी संगत को छोड़ दीजिए। कामयाब लोगों की संगत में आइए, इस आरसीएम की मीटिंगों की संगत में आइए, इस यूट्यूब चैनल की संगत में आइए और अपने आप को मुख्य धारा में लाइए और टारगेट लीजिए कि दुनिया में कुछ करके दिखाना है। अरे आप कामयाब क्यों नहीं हो सकते? अगर आप चाहते हो अपने माँ बाप के दूध के कर्ज को उतारना, अगर आप चाहते हो जीवन साथी के सिंदूर के मान को बढ़ाना, अगर आप अपने बच्चे के भरोसे को कायम रखना चाहते हो, नेशनल लीडर बनना चाहते हो, हिंदुस्तान के पटल पे छाना चाहते हो, तो बड़ा सा टारगेट लीजिए, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लीजिए और शुरू हो जाइए। दुनिया की कोई ताकत आपको असफल नहीं कर सकती। अरे आप दुनिया में कामयाब होने के लिए आए हो। भरोसा करो अपने आप पे, भरोसा करो अपने संस्कारों पे। दोस्त खाली बैठने से क्या हो जाएगा बताइए? एक एग्जांपल, अपने घर में संस्कार कहां से आएंगे? आपके घर में, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या उनमें संस्कार पाकिस्तान अमेरिका से आएंगे? हमसे आएंगे, हमसे आएंगे। हमारे बच्चों में क्या संस्कार जा रहे हैं हमारी वजह से? मान लो मेरी उम्र 40 साल, मेरे घर में 5 या 10 साल का बच्चा है, मैं उसके सामने बीड़ी पीऊं, मैं उसके सामने मोबाइल से खेलूं, मैं उसके सामने सुबह लेट उठूं, मैं उसके सामने झूठ बोलूं, क्या संस्कार जाएंगे? दोस्त अगर हम कामयाबी के लिए रेस नहीं लगा रहे हैं, हम हमारी जिंदगी तो खराब कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हम हमारे परिवार, हमारे बच्चे और हमारे समाज में बहुत से लोगों की जिंदगी खराब कर रहे हैं। एक कामयाब इंसान को देख के हजारों लाखों लोग कामयाबी का टारगेट लेते हैं, और एक असफल इंसान को देख के हजारों लाखों लोग असफलता का टारगेट लेते हैं। आप किस तरफ जाना चाहते हो? दोस्त ये मनुष्य शरीर मिला है, आरसीएम जैसा सिस्टम मिला है दोस्त। अरे आज आपकी और हमारी मुलाकात आपकी और हमारी इच्छा से नहीं हुई, परमात्मा की इच्छा से हुई है। परमात्मा आपके और हमारे माध्यम से कुछ बढ़िया करना चाहता है। परमात्मा आपके माध्यम से इस दुनिया में कुछ बढ़िया कराना चाहता है। समझिए इस परमात्मा के इशारे को और एक बड़ा सा टारगेट लीजिए, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लीजिए और एक बड़ा नेटवर्क बनाइए। आरसीएम से बढ़िया कोई सिस्टम नहीं हो सकता, आरसीएम से बढ़िया प्रोडक्ट नहीं हो सकते, आरसीएम से बढ़िया संस्कार नहीं हो सकते। इस सिस्टम की संगत करिए, अपनी संगत को बदलिए, छोटी छोटी आदतों को बदलिए दोस्त, छोटी छोटी आदतों को बदल के। हमने इस सिस्टम में 9 करोड़ रुपए से ऊपर कमाया, आज आपके सामने है दोस्त। पूरा हिंदुस्तान आपका इंतजार कर रहा है मेरे भाई। अपने आप को इसमें झोंकिए, मात्र 5 से 10 साल अपने खाली टाइम का उपयोग
घर के प्रोडक्ट बदलने, विचार बदलने, संगत बदलनी, बस इतना करने से डेली। अभी हमने क्या किया आपसे, पिछले 50 मिनट में हमने क्या किया, आपसे बातें करी और मेरी बात सुनने से सही बताना कुछ कुछ हुआ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जिंदा हूं, जिंदा हूं। इतनी देर किसी आतंकवादी की संगत करते तो विचार आता कि एक टपका के सोऊंगा। संगत, इस संगत में अपने आप को लाइए, कामयाब लोगों की संगत में लाइए, बड़ा सा टारगेट लीजिए। आरसी में नुकसान का कोई चांस नहीं है क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, सारा काम कंपनी करती है, प्रोडक्ट कंपनी बनाती, प्रोडक्ट आप तक पहुंचाती, पूरा मैनेजमेंट कंपनी का। अपना काम क्या है, सिर्फ मार्केटिंग काम है, बोलना, बात करना। अभी मैंने आपसे बात करी, दोस्त बड़ा सा टारगेट लीजिए। आज घर जाके अपने माँ बाप पत्नी बच्चों को देखिए, बड़ा सा टारगेट लीजिए। मेरी कामयाबी का राज है, मैं टारगेट लेते टाइम एक बात सोचता हूँ, या तो हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता, और हिंदुस्तान में अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इस टारगेट के साथ मैं तो आगे बढ़ता हूँ दोस्त। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, जाने अनजाने में मेरे मुंह से गलत शब्द निकला हो, आपकी आत्मा भावना को ठेस पहुंचे तो माफी चाहेंगे सब। बहुत बहुत सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आरसीएम के यूट्यूब चैनल से खुद जुड़िए और पूरी टीम को इस चैनल से जोड़िए साहब, सिस्टम से काम करिए। और आगे की कार्रवाई के लिए हम आपकी जबरदस्त तालियों के बीच इनवाइट करना चाहेंगे, जो इस पूरे सिस्टम में, ये मीटिंगों के पूरे सिस्टम को संभाल रहे हैं, जो अपनी प्रॉपर तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में भगवत सर, वेलकम सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिस तरह से और जिस जोश के साथ आज आपने हमारे हिंदुस्तान के हर एक डायरेक्ट सेलर को, हर आरसीएम परिवार का हर एक सदस्य को बता दिया कि संगत में रहने से रंगत बदलती है, और वो आखिर में आज आपने बता दिया कि किस तरह से सफल लोगों को सुनने से, उनको फॉलो करने से और उनको अनुसरण करने से हम अपनी जिंदगी में कितने बड़े बदलाव कर सकते हैं। आज अगर मैं बात करूं, जिस तरह से जयनारायण सर ने हमें बताया कि आज आरसीएम बिजनेस क्यों हमारे लिए जरूरी हो गया है, क्यों आरसीएम बिजनेस में आके आज लोग अपने आप को नई ऊंचाइयों में लेके जा पा रहे हैं, क्यों आज आरसीएम बिजनेस में लोग आके अपने सपनों को और बड़ा कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह यही है कि आज आरसीएम की जो लीडरशिप है, जिनके आज हम लेजेंडरी पर्सन के नाम से जानते हैं, जिन्होंने पिछले 20 सालों में इस आरसीएम को जिया है, पूरी तरह से आरसीएम के वो हो चुके हैं, और आज उनका उद्देश्य अगर हम बात करें तो यही है कि हिंदुस्तान के हर एक घर के अंदर हम आरसीएम के वो योद्धा पैदा करें, जो कि इस आरसीएम बिजनेस के माध्यम से, जो हमारे आरसीएम बिजनेस का एक बहुत बड़ा उद्देश्य भी है कि एक नए भारत का हम निर्माण करें, उसमें सबसे ज्यादा अगर कॉन्ट्रीब्यूशन हो, सबसे ज्यादा अगर भागीदारी हो, तो हमारे आरसीएम बिजनेस के हर एक डायरेक्ट सेलर की हो, हमारे आरसीएम बिजनेस के हर एक प्रोडक्ट की हो। आज सर ने जिस तरह से हमें बताया कि आज 30 लोगों के संयुक्त परिवार में रहते हुए भी वो आरसीएम के प्रोडक्ट घर में यूज करते हैं, 100% प्रोडक्ट यूज का सबसे पहला फायदा हमने देखा साथियों। आज कंपनी का भी जो एक लक्ष्य है बहुत बड़ा, स्वास्थ्य रक्षा, और वही रीजन है कि आज अच्छे और ये आरसीएम के हमारे पास जितने प्रोडक्ट्स, उनको जब हम हमारे घर का हिस्सा बनाते हैं, उनको यूज करते हैं, तो बीमारियां हमसे कोसों दूर चली जाती है, हम अपने परिवार को, अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रख पाते हैं, और एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही एक स्वस्थ मस्तिष्क भी होता है, जहां से हमारे हर वो अच्छे विचारों की उत्पत्ति होती है। वो आज सर ने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि आरसीएम क्यों जरूरी है हमारे लिए। सर ने 4 बेसिक्स का हम सारे लोगों को बताया कि अगर आरसीएम में बड़ी सफलता चाहिए हमें, लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से हम सक्सेस कर पाए, उनको ज्यादा अच्छे तरीके से इस बिजनेस में लेके आ पाए, तो उसके लिए काम करना, सबसे पहला 100% प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। दूसरी सर ने हमें बताई कि किस तरह से हमारे जो टूल्स हैं उनको हमें यूज करना है इस बिजनेस के अंदर। तीसरा सर ने हमें बताया कि किस तरह से एक्टिव अपलाइन के फोकस में हमें रहना, और उसके लिए अपने आप को एक्टिव करना पड़ेगा, अपने आप को टाइम मैनेजमेंट के साथ में कितना कंसिस्टेंटली टाइम हम इस बिजनेस के लिए दे पा रहे हैं, जो कि हमारे बड़े सपनों को पूरा कर सकता है, उसको ध्यान में रखना। जिस दिन हम कंसिस्टेंटली अपने ऊपर और अपने टाइम को मैनेज करके इस सिस्टम में काम करने लगेंगे, ऑटोमेटिक हम हर एक अपलाइन के फोकस में आ जाएंगे, उसके बाद में हमारा बिजनेस और ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ने लगेगा। सर ने आज हमें बताया कि किस तरह से आज हम सारे लोग गोल ओरिएंटेड काम करें, जब तक हमारा लक्ष्य नहीं होगा तब तक हम उस दिशा में उस स्पीड से और जुनून के साथ काम नहीं कर पाएंगे, तो हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना, उसके बाद में अपना 100% वहां पे देना, अगर वो देने के लिए तैयार है, तो ये आरसीएम बिजनेस आपके लिए वो सारे पिन अचीवमेंट्स, वो सारे लेवल आप लोगों के लिए लेके बैठा हुआ, बस आपको वहां तक पहुंचने की जरूरत है। आज सर ने हमें बताया कि बहुत अच्छे तरीके से आज हम अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है, ये फोन हमारे यूज करने के लिए, ना कि फोन को के द्वारा हम अपने आप को यूज होने दें, तो इस चीज का ध्यान रखना, हमारा क्वालिटी टाइम हम कहाँ लगाएं और किस तरह से उससे हमारे बिजनेस में प्रोडक्टिविटी आए,
किस तरह से ज्यादा लोगों तक हम हमारे आरसीएम के प्रोडक्ट को पहुंचा सके, किस तरह से हम ज्यादा लोगों को सक्सेस बना सके, तो वो सारी चीजें आज हमने जानी। सर ने हमें बताया कि आरसीएम में जब तक हम अपना कोई गोल डिसाइड नहीं करेंगे, लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक शायद हम वहां पर पहुंच नहीं पाएंगे, और जब हम खुद नहीं पहुंच पाएंगे तो हम उसी तरह से लोगों को भी तैयार नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो इंसान स्टार रूबी बन चुका है उसे पता है कि स्टार रूबी तक बनने का सफर कैसे तय किया जाता है, जो आज सफायर है उसको ये पता है कि सफायर का सफर कैसे तय किया जाता है, और इसी तरह से आज इस सिस्टम का स्टार डायमंड है उसको ये पता है कि स्टार डायमंड बनने के लिए कौन से काम करने होते हैं, किस तरह से करने होते हैं, उसके लिए क्या क्या संघर्ष करने होते हैं। तो वही आज हम लोगों को सीखना है साथियों को, हमें भी इस सिस्टम के जितने भी सफल लोग हैं उनकी संगत में रहना, उनको सुनना है, उनको देखना है, उनको जानना, किस तरह से उनका एक्शन प्लान होता है उसी को हमें फॉलो करना है। अगर इस चीज में हमने अपने आप को तैयार कर लिया तो आपको भी उस बड़ी कामयाबी तक जाने के लिए, आपको भी उस लेवल तक जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, और हमें एक सर्टेन टाइम इस बिजनेस को देना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारे गोल बड़े हैं, हमारे सपने बड़े हैं, तो उनके लिए काम करने के लिए भी हमें खुद को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, और वो चीज करने के लिए तैयार है तो निसंदेह वो सफलता हम सबका इंतजार कर रही है। आज सर ने हमें बताया कि एक इंसान जिसको 84 लाख योनियों के बाद में ये मानव शरीर मिलता है, जो अपने आप में खुद यूनिक है, वहां पे आज आरसीएम आपको बिना किसी क्वालिफिकेशन के, बिना किसी एजुकेशन के, बिना किसी आपके बैकग्राउंड के, आपको यहाँ पे सिस्टम में काम करने का मौका देता है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे हर वर्ग का, हर फील्ड का इंसान आके काम कर सकता है, अपने आप को सफल बना सकता है, अपने साथ साथ औरों को भी वो सफल बना सकता है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी आज हमारे बीच में है, और हम जान पा रहे हैं कि किस तरह से इसके द्वारा हम सारे लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो जिस तरह से आज जय नारायण सर ने हम सारे लोगों को बताया कि किस तरह से आरसीएम में बड़ी सफलता पाई जाती है, किस तरह से वो जोश और जुनून हमारे अंदर होना चाहिए, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इस सिस्टम के अंदर हमारे मीटिंग सेमिनार्स और हमारे जो वेबिनार्स होते हैं उनकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। सर ने भी एक ऐसा ही वेबिनार देखा था, एक ऐसा सेमिनार अटेंड किया जिससे उनके गोल्स, उनके लक्ष्य और उनके वो सपने जगे जहां से वो अपने आप को इस बिजनेस में काम करने के लिए तैयार कर पाए, और उसी का नतीजा है कि आज हमारे पास में एक लेजेंडरी पर्सन है और उसको हम सुन पा रहे हैं। और वही चीज हमें भी करनी है कि कौन सा प्रोग्राम, कौन सी बात आपके लोगों को टच कर जाए, किससे वो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हो जाए, और उसके तरह लाखों लोगों के लिए वो एक इंस्पिरेशन का काम कर सके, एक प्रेरणा स्रोत बन सके, वही चीजें आज हमें भी करनी है। तो साथियों एक बार फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आरसीएम बिजनेस का ये जो चैनल है आपके लिए, आरसीएम बिजनेस चैनल, इसको आप अपने परिवार के, अपने आरसीएम परिवार के हर डायरेक्ट सेलर के साथ में सब्सक्राइब कराएं, ताकि आपके पास में हर वो सफल इंसान की स्टोरी के, कैसे उन्होंने इस जर्नी को पार किया, किस तरह से वो आज वो उस मुकाम तक पहुंचे हैं, उसके लिए उन्होंने क्या क्या संघर्ष किए थे, क्या बलिदान दिए, और किस तरह से आज वो एक्शन प्लान पे काम किया कि आज उस लेवल को वो अचीव कर पाए, आज उनके कारण लाखों हजारों जिंदगियां बदल पाई हैं, अपने आप को सक्सेस कर पाई, तो वो सारी चीजें हमारे साथ भी हो सकती है। लेकिन जब तक हम ऐसे इवेंट्स का हिस्सा नहीं बनेंगे, जब तक ऐसी चीजों से हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि एजुकेशन एक ऐसी चीज होती है जो हमेशा लाइफ टाइम हमारे साथ रहती है, और वही हमें एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ में काम करने के लिए भी तैयार करती है। तो उनके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी, वो करने के तैयार हैं तो इस आरसीएम बिजनेस की हर एक वो पिन आपका इंतजार करिए, चाहे वो स्टार रिव्यू हो, चाहे डायमंड हो या स्टार डायमंड, तो आपको उसके लिए काम करना है। और एक बार मैं फिर से सर से बात करना चाहूंगा, सर आपसे एक सवाल है कि आज हमारे आरसीएम परिवार में हर एक वो चीज है, हम अगर डिलीवरी सेंटर्स की बात करें तो बहुत अच्छा है, अगर हम कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें तो बहुत अच्छी है, आज हम प्रोडक्ट्स की रेंज की बात करें तो हमारे पास हर सेगमेंट्स के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आज एक नया युवा या फिर आज का जो यूथ है वो हमारे आज सिम बिजनेस को क्यों ज्वाइन करे और किस तरह से वो अपने आप को आगे लेके आ सकते हैं, इसके ऊपर अगर आप प्रकाश डालें तो मैं समझता हूँ सबके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भगवत सर। जितने भी हमारे हिंदुस्तान में युवा पीढ़ी है उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है रोजगार का या अपने आप को सेट करने का। मार्केट में आज इस कोरोना की वजह से या नौकरियां लगभग गायब है, और अगर मिल भी जाए तो बहुत अच्छा जीवन वो नहीं जी सकते उसमें। लेकिन आरसीएम सिस्टम में बिना पूंजी के आप एक नेटवर्क बना सकते हैं जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी अनलिमिटेड इनकम दे सकता है, साथ में आपको घूमने फिरने का मौका। आज मेरे पीछे बहुत सी ट्रॉफियां लगी है, कम से कम भी पिछले 18 सालों में मेरे को 200 से ज्यादा ट्रॉफी मिली है। हिंदुस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पे मेरे को मान सम्मान नहीं मिला हो। स्विट्जरलैंड तक मुझे घूमने का मौका मिला है, अमिताभ बच्चन जी से मुझे पुरस्कार मिला है, सानिया मिर्जा जी से मिला है,
ऐसे बहुत से कामयाब लोगों से मुझे पुरस्कार मिला है। तो अगर आप कैरियर के रूप में चुनना चाहो तो आरसीएम से बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। मार्केट में आप जो भी काम करते हो, अगर हो सकता है वहां पे पगार हो तो सम्मान नहीं है, और सम्मान है तो पगार नहीं है, या घूमने फिरने का मौका नहीं है, या टाइम फ्रीडम नहीं है। आज आरसीएम में सारी चीजें, कामयाबी का संपूर्ण पैकेज है आरसीएम। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सही कर कहा सर आपने, क्योंकि आज हमारा बिजनेस आरसीएम बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए एक आइडियल प्लेटफॉर्म है, जहां पर आके लोग, मैं अगर कहूँ युवा, तो बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर वो चीज है, चाहे हम बात करें मान सम्मान की, हम बात करें पैसे की, हम बात करें एक कल्चर की, हम बात करें फैमिली की, तो हर वो चीज यहाँ पे पूरी होती है। और वही चीजें आज हमारी सबसे बड़ी नीड्स होती है, और वो सारी चीजें हमें यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे मिल सकती है। बस हमें एक सही अपलाइन के साथ में, एक सही सोच के साथ में, एक बड़े लक्ष्य के साथ में, और अगर एक पॉजिटिविटी के साथ में हम यहाँ पे काम करें तो बहुत बड़े अचीवमेंट्स हम यहाँ पे ले सकते हैं, और अपने साथ साथ लाखों लोगों की जिंदगियों को भी हम बदल सकते हैं, उनके घरों में भी हम वो इनकम पहुंचा सकते हैं जिससे कि वो अपनी फैमिली को और अपने लोगों को आगे लेके आ सके। तो वो सारी चीजें आज पॉसिबल है। तो आज के इस प्रोग्राम में सर आपने जो वैल्यूएबल टाइम दिया हमारे जितने डायरेक्ट सेलर्स हैं, उनको वाकई में बताया कि आज किस तरह से लोग अपने आप को तैयार करके इस बिजनेस में बड़े काम कर सकते हैं, किस तरह से वो अपने एक्शन प्लान तैयार करें, किस तरह से नए लोग अपने आप को बड़ी पिनों पर ले जाने के लिए तैयार कर पाए, तो वो सारी चीजें आज हमने देखी, जानी और समझी। तो ये सिलसिला बस सिर्फ हमारे उस आरसीएम परिवार के हर एक डायरेक्ट सेलर के लिए है, जिससे कि हम इन लेजेंडरी पर्सन के थ्रू कनेक्ट करा पाए कि जब ये लोग कर सकते हैं तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते। और जिस दिन हमने अपना लक्ष्य बना लिया, जिस दिन हमने अपने आप को मेंटली और फिजिकली रूप से तैयार कर लिया कि हमें भी उस लेवल तक पहुंचना है, हमको वहां पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी तरह मैं एक चीज और कहना चाहूंगा साथियों, कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमेशा हम आप लोगों के बीच में हर उस शख्सियत को लेके आना चाहते हैं जिनको आज तक आपने देखा सुना होगा, लेकिन आज भी हम देख पा रहे हैं कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं हो पा रही, तो आपको घर बैठे वो सारी उन शख्सियत की स्टोरी जान सके, और किस तरह से उन्होंने काम करके अपने आप को साबित किया वो आप जान सके, और किस तरह से हम अपने आप को तैयार करते हुए उनके पद चिन्हों को चलते हुए अपने आप को सफल बना सके, वो सारी चीजें हो सकती है। इसी कड़ी में अगले संडे को हमारे बीच में एक और बहुत ही शानदार शख्सियत आने वाली है, तो हम मिलते हैं उनके साथ में एक नई जानकारी के साथ में, कुछ नई स्टोरी के साथ में, और किस तरह से आरसीएम बिजनेस में बड़ा किया जाए, तो वो सारी चीजें हमेशा हम लोगों के साथ में। एक चीज लास्ट में कहना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम के साथ आने वाले जितने भी हमारे लेजेंडरी ये जो इवेंट्स होंगे, वो इसका टाइम चेंज किया जा रहा है, 3 बजे की जगह डेली हर संडे को 8 बजे आपके बीच में ये प्रोग्राम्स होगा, क्योंकि अभी कुछ फिजिकल एक्टिविटीज होने लगे हैं, लोग फील्ड में आने लगे हैं, तो शाम के टाइम रेगुलर बेसिस पे आपके बीच में ये प्रोग्राम ऐसे ही आता रहेगा। तो आप लोगों के प्यार और सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पेशली जय नारायण सर का बहुत बहुत धन्यवाद का आज उन्होंने अपना कीमती समय दिया और हमारे पूरे आरसीएम परिवार को बताया कि आरसीएम बिजनेस से अच्छा कुछ नहीं, और इस बिजनेस में आके हम सारे लोग कितना बड़ा कर सकते हैं और कितने लोगों के साथ में कर सकते हैं, वो सारी चीजें आज हमने देखी, जानी और सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय आरसीएम।